मैं SSB में नौकरी करता हूँ, अगर मुझे SSB का नौकरी पसंद नहीं है मैं छोड़ के चला जाता हूँ, या किसी कारण से आपको छोड़ने में आपको दिक्कत है मैं भाग के चला जाता हूँ, भाग के जाकर मैं किसी दूसरे डिपार्टमेंट में, इसी में मान लीजिए SSGD के तहत ही किसी दूसरे विभाग में मैं नौकरी करना चाहूँ, या SSB में ही नौकरी करना चाहूँ, या किसी स्टेट पुलिस में या कहीं अदर जगह नौकरी करना चाहूँ, तो क्या ये पॉसिबल है? कहने का मतलब है अगर हम भाग के जाते हैं किसी भी फौज से, हम भाग के चले जाते हैं और किसी दूसरे विभाग में या SSGD के तहत किसी दूसरे विभाग में या किसी स्टेट पुलिस के किसी विभाग में मैं नौकरी करने की कोशिश करूं, तो मेरा नौकरी संभव है कि नहीं, इसी टॉपिक में आज बात करूंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं रंजन कुमार आप लोगों को इस वीडियो में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी और मेरा चैनल पसंद आ रहा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं अगला वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए मैं वीडियो शुरू करता हूं। बहुत सारे दोस्त हमसे ये बात पूछते रहते हैं कि सर हम तो नौकरी करने के लिए कर लिए क्योंकि हमको मजबूरी था, हम उस समय बेरोजगार थे, लेकिन मुझे अब लगता है कि हमारा दूसरे जगह भी नौकरी हो जाएगा, बिहार पुलिस का या स्टेट पुलिस, किसी भी स्टेट पुलिस का मतलब एकदम पिक पॉइंट पर है और मुझे जाके सिर्फ वेरिफिकेशन करके नौकरी ज्वाइन करना है, तो मैं नौकरी को छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ छोड़ने में मतलब किसी विभाग में तो रहने पर छोड़ने में हमको पैसा मांग रहा है, पैसा मेरे पास है नहीं, तो क्या मैं भाग के चला जाऊँगा तो संभव है कि मैं नौकरी वहाँ पे कर लूँ? देखिए, 3 साल से पहले अगर नौकरी कर रहे हैं तभी आप भागने की सोचिएगा, क्योंकि उस समय आपका डॉक्यूमेंट जमा रहता है, तो उस समय आपको ये प्रॉब्लम हो जाएगा कि किसी जगह दूसरे जगह जब नौकरी करने की कोशिश कीजिएगा तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मांगेगा, वो डॉक्यूमेंट आपके पास रहेगा नहीं, जो भी रहेगा फोटो स्टेट रहेगा, लेकिन ज्वाइनिंग के समय आपको डॉक्यूमेंट ओरिजिनल मांगा जाता है, तो उस समय ये आपको समस्या हो सकता है। मैं एक सजेशन दूंगा, देखिए नौकरी बहुत आसानी से नहीं मिल रहा है आज के समय में, सभी जगह देख सकते हैं बेरोजगारी पीक पॉइंट पर है लेकिन नौकरी मिलता नहीं है, जैसे तैसे जिसको नौकरी मिल रहा है वो करने की कोशिश नहीं कर रहा है। हम तो कहेंगे कि आप अगर नौकरी लग गए हैं तो कम से कम 3 साल कीजिए, उसके बाद आप यहीं पे बैठ के तैयारी कीजिए, दूसरी जगह हो जाते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि नौकरी में रहते हुए कहीं दूसरी जगह हो गया है, पहले ही से ट्राई करते करते दूसरी जगह हो गया है, वहां पे जाने की कोशिश कीजिएगा, तो देखिए प्रोसीजर है, आप इस नौकरी को छोड़ दीजिए। कहने का मतलब है बहुत सारे दोस्त, हमने भी बहुत सारे वीडियो में ये बता रखा है कि आप एक ही रैंक के लिए नौकरी नहीं छोड़ सकते हैं, नहीं छोड़ाया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, आप एक भी रैंक के लिए कुछ भी नहीं है, घरेलू समस्या बता के आप नौकरी छोड़ सकते हैं। बता देखिए, आपको मोटिवेट किया जाता है कि आप नौकरी नहीं छोड़िए, नौकरी छोड़ देखिए, पैसा रहता है सारा समस्या का समाधान मिल जाता है, अगर पैसा नहीं है तो समस्या का समाधान नहीं है, विभाग को पता है कि बेचारे को पैसा की जरूरत है, कोई भी प्रॉब्लम होने से पैसा से समस्या का समाधान हो जाता है, तो वो लोग सोचता है कि नहीं इसको पकड़ के रखो, नया नया खून है, ब्लड में जोश है, इसको लगता है कि हो जाएगा, इसलिए आपको मोटिवेट किया जाता है कि आप नौकरी पे रहिए, छोड़िए मत। लेकिन आपको अगर लग गया, मान लीजिए ग्रुप सी में है अभी अपना SSGD के तहत जो कांस्टेबल GD का भर्ती आता है ग्रुप सी में, तो ग्रुप सी में आप नौकरी कर रहे हैं, आप ग्रुप डी के लिए छोड़िएगा तो नहीं छोड़ने देगा, ज़्यादातर ग्रुप सी के लिए भी छोड़िएगा तो नहीं छोड़ने देगा, लेकिन हमको पता है ना कि हम ग्रुप सी में जाना चाहते हैं कि ग्रुप डी में जाना चाहते हैं, आप घरेलू समस्या बता के नौकरी को छोड़ दीजिए, बोल दीजिए कि हमसे नहीं होगा। नौकरी छोड़ने के लिए 3 साल के पहले आप छोड़िएगा तो पैसा आपको भरना पड़ेगा, वो ट्रेनिंग खर्च प्लस आपको जो पेमेंट दिया जाएगा 3-4 महीने का पेमेंट रिकवरी होगा, उस तरह का पैसा आपको भर के सहूलियत से नौकरी छोड़ दीजिए, आपको डॉक्यूमेंट मिल जाएगा, उसके बाद जाके कहीं ज्वाइन कीजिए। अब रही बात किसी कारणवश हम ट्रेनिंग सेंटर से ही भाग के चले आए हैं, दूसरी जगह ट्राई करेंगे तो हो जाएगा कि नहीं होगा? देखिए, ट्रेनिंग सेंटर से भाग के चले आए हैं, डॉक्यूमेंट आप जमा करा के आ गए हैं तो समस्या है, लेकिन डॉक्यूमेंट जमा नहीं करा है, इधर आ गए हैं तो यहाँ से आके एक सीधी सी बात है कि एक एप्लीकेशन लिखिए कि हमको नौकरी नहीं करना है, आप उस विभाग को भेज दीजिए, एड्रेस तो पता रहेगा, मान लीजिए जहाँ आप नौकरी करते थे 10 दिन किए, 20 दिन किए, 50 दिन किए, 1 महीना किए चाहे 1 साल किए, आपको तो पता रहेगा ना कि वहाँ का एड्रेस क्या है, उस एड्रेस पे जाके आप एक एप्लीकेशन लिख के भेज दीजिए कि हम नौकरी नहीं करना चाहते हैं। ज़्यादातर में अगर ट्रेनिंग सेंटर में है तो आपका वहीं से वही एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाता है, आपका डिसमिस फ्रॉम सर्विस मतलब सर्विस से टर्मिनेट कर दिया जाता है, समस्या कुछ नहीं है, और अगर आपका डॉक्यूमेंट जमा है तो आपको डॉक्यूमेंट लाने के लिए जाना पड़ेगा, तो वो अलग बात है, नौकरी से टर्मिनेट कर दिया तो आप आराम से जाकर डॉक्यूमेंट ले सकते हैं, बाद में आपका कोई पनिशमेंट नहीं लगेगा कि तू भाग के कहा गया था, नौकरी छोड़ दिया तो आपका कोई लेना देना नहीं है। अब रही बात की नौकरी, अगर मान लीजिए कि हमने SSGD के तहत SSB ज्वाइन किया, एक बात बोल रहे हैं, और ट्रेनिंग सेंटर में रह के 1 महीना या 2 महीना या पूरा ट्रेनिंग खत्म करके हमने भाग के आ गया, फिर से हमने SSGD अप्लाई किया, उसके बाद SSB ही मिल गया दोबारा,
तो दोबारा लग सकता है कि नहीं, मतलब अगर हम भाग के आ गए हैं उसके बाद वो रिजाइनेशन दे दिए हैं तब? मैं बता दूं कोई दिक्कत नहीं आपका, उस समय भी हो जाएगा। बहुत सारे दोस्तों का ये कन्फ्यूजन रहता है, हमसे बहुत बार पूछते हैं कि सर मान लीजिए हम नौकरी छोड़ के चले जाते हैं तो दोबारा हमको नौकरी लगेगा, अगर SSB मिलेगा कि नहीं? बहुत सारे ये बोलते हैं कि नहीं लगता है, तो क्या ये सही है? तो ऐसा नहीं है, आप नौकरी छोड़ दिए हैं, नौकरी छोड़ रहे हैं, या नौकरी मतलब भाग के आके नौकरी छोड़ दिए, या डिजाइन दे के आगे छोड़ दिए हैं, या 3-4 साल करके आके छोड़ दिए हैं, आपका एज बचा हुआ है, फिर से SSGD का फॉर्म भर दिए, पूरा प्रोसीजर फॉलो कीजिए, नौकरी हो जाता है किसी भी विभाग में, फिर से आप उसी विभाग में काहे नहीं चले गए? तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होता है, आप आराम से उसमें नौकरी ज्वाइन करके नौकरी कर सकते हैं। बस 2-4 बात का ध्यान रखना है कि अगर नौकरी छोड़ के आ गए हैं, भाग के आ गए हैं, तो एप्लीकेशन लिख के भेज दीजिए कि हमको नौकरी नहीं करना है। जब तक आप एप्लीकेशन लिख के नहीं भेजिएगा, टर्मिनेट वहां से नहीं होइएगा, तो आपका वहां पे SSGD में मतलब जिस विभाग में रहिएगा, चाहे BSF, CISF, ITBP, जिस विभाग में हैं वहां पे आपका नाम चलते रहेगा। जब वहां पे नाम चलते रहेगा तो आपका दूसरी जगह जब अप्लाई हो जाएगा, अप्लाई कीजिएगा तो बताएगा कि ये लड़का पहले नौकरी में है, जैसे SSB में है तो SSB में है, पहले से बताएगा, क्योंकि आजकल आधार से सबको कनेक्ट कर दिया, बताते रहेगा कि आपका नौकरी है ये है, केस चलते रहेगा, आपको नहीं पता चलेगा लेकिन विभागीय केस चलते रहेगा, आपके थाने में वो एप्लीकेशन भेज देगा ये लड़का भाग गया है, वहाँ पे लोकल थाना में पुलिस केस कर देगा कि ये लड़का भाग गया है या गुम हो गया, तो इसका छानबीन करते रहे, तो ये समस्या आपको आ सकता है। तो उचित रहेगा कि आप भाग के आए हैं, आपको रीजन पता है कि हम किस लिए भाग के आए, तो एक एप्लीकेशन लिखिए और उसके एड्रेस पर भेजते रहिए। 2-4, 2 या 3 एप्लीकेशन लिखिएगा, आपको नौकरी से टर्मिनेट कर देगा, उसके बाद यहाँ अपना पूरा प्रोसीजर फॉलो करते रहिए, नौकरी लेते रहिए। हाँ, ऐसा नहीं है कि उधर से भाग के आ गए तो फॉर्म भरे तो फॉर्म नहीं भरेगा, सब कुछ होते रहेगा। नौकरी ज्वाइनिंग के समय ये समस्या आएगा कि आपका नौकरी दूसरे जगह दिखा रहा है, ज्वाइनिंग के समय, फॉर्म भरते समय कोई दिक्कत नहीं है, दौड़ धूप करते समय कोई दिक्कत नहीं है, कोई मेडिकल वेरिफिकेशन के समय कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ जब सब कुछ फाइनल हो गया, ज्वाइनिंग के समय जब जाइएगा, ज्वाइनिंग करते समय तब आपको बताएगा कि अरे ये लड़का तो पहले से SSB में नौकरी कर रहा है, ये समस्या आ सकता है। मतलब अगर वो भाग के आइए, इधर दौड़ निकालिए, रिटर्न निकालिए, मेडिकल निकालिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन साथ साथ एप्लीकेशन लिख के अपने उस पुराने वाले विभाग में भेजते रहिए ताकि वहां से टर्मिनेट कर दे, जिससे आगे जब भविष्य में जब नौकरी ज्वाइन कीजिएगा किसी भी विभाग में तो प्रॉब्लम नहीं। चलिए, यही छोटा सा वीडियो था, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया। इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए उन दोस्तों को जो दोस्त ये सोचते हैं कि हम दूसरी जगह नौकरी से भाग के आके तीसरी जगह नौकरी कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।